क्या बीजेपी का यूपी मॉडल से पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में कमल खिलाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के सियासी रंग में आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी के टॉप नेता चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आज से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य करीब 30 विधानसभा क्षेत्रों में जा सकते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं। इसके अलावा जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी महासचिव सुनील बंसल भी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। यहां आपको बता दें कि बीजेपी पहले ही यूपी के सांसद विनोद सोनकर को राड़ बंग जोन का प्रभार सौंप चुकी है, जबकि बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी को उत्तर बंग जोन का प्रभारी बना चुकी है। तो अब सवाल यही उठता है कि यूपी मॉडल से क्या पश्चिम बंगाल में खिलेगा कमल? और आज के लिहाज से देखा जाए, आज भी राजनीतिक घटनाक्रमों के लिए, सियासी घटनाक्रमों के लिए पूरा दिन इसी तरह से भरा रहेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन सियासी घटनाक्रमों के लिए काफी अहम है। केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री विजय कदावर नेता वहां पर 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी 2 दिवसीय दौरे पर। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि यूपी के दिग्गजों को पश्चिम बंगाल की ओर रुख कराया जा रहा है। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो हैदराबाद में जो चुनाव हुआ उसमें भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के तौर पर, प्रचारक के तौर पर पहुंचे थे, प्रचार किया था। अब जो टारगेट है बीजेपी का वो है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, लेकिन आज जो है उसके लिए यानी कि प्रचारक के तौर पर जा रहे हैं आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उसके लिए बीजेपी पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या यूपी मॉडल से बंगाल में खिलेगा कमल, क्योंकि हैदराबाद में जिस तरह के आंकड़े रहे उसने ना सिर्फ ओवैसी की पार्टी को बल्कि टीआरएस को भी वहां पर किस तरह से दिखाया, पूरा जो आंकड़ा था उसमें फेरबदल हो गया। और अभी क्या उम्मीद यही बीजेपी लगा रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल ही खिलेगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज का दिन देखा जाए पश्चिम बंगाल के दौरे के लिहाज से तो काफी घटनाक्रम वहां पे होंगे। एक तो केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर रहने वाले हैं, अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं, कई और भी मंत्री वहां पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री की तो है ही, लेकिन यूपी मॉडल को वहां पर ले जाने की कोशिश है, इसके सहारे जीतने की कोशिश। देखिए बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में अगर अभी की स्थितियां देखें तो शायद पश्चिम बंगाल को अब यूपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको टारगेट करने के लिए भेजा जा रहा है। और यही वजह है कि अब डिप्टी सीएम का आज दौरा है, केशव प्रसाद मौर्य आज और कल पश्चिम बंगाल में रहेंगे, कई जगहों पर जो है रैली करेंगे। खास तौर से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नेता हैं जो बेहतर तरीके से पश्चिम बंगाल को जानते हैं और वहाँ पर स्थितियाँ समझते हैं, तो ऐसे में सभी की वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पर बकायदा जाकर हिंदी भाषी बेल्ट में उत्तर प्रदेश के तमाम जो लोग होंगे वो जाके बीजेपी के लिए लोगों से संपर्क करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल है उससे ऐसा लगता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, संगठन मंत्री सुनील बंसल हों, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, या ये यूपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी वहाँ पर भेजा जा रहा है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को कुछ जो हिंदी भाषी बेल्ट में उत्तर प्रदेश की काफ़ी जरूरत दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोग हिंदी भाषी बेल्ट में जाकर फोकस करेंगे और बीजेपी से तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फायर ब्रांड नेता हैं उत्तर प्रदेश के भी बीजेपी के, उनको भी पश्चिम बंगाल में लगातार सक्रिय रहने के लिए कहा जाएगा, ताकि जो वोट का जो ध्रुवीकरण है वो कहीं ना कहीं से होता हुआ दिखाई पड़े। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में बड़े बयान जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल के सामने आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के बयान शुमार होंगे। और
अगर आप देखिए तो एक स्टेप वाइज तमाम भले ही पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हों, केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जो नेताओं का जो पूरा जो दल है वो भी पश्चिम बंगाल में लगातार सक्रिय रहेगा और पूरी दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो पश्चिम बंगाल में भाजपा को जिताने की कोशिश में दिखेंगे। और जिस तरह से ये देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी बेल्ट को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें उत्तर प्रदेश के नेताओं का एक बड़ा अहम रोल होगा और इसी वजह से तमाम लोगों की जिम्मेदारियां भी वहां पर तय की गई हैं। जी तो जिसका आप कह रहे हैं कि वोट बैंक साधने की कोशिश है, हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश है, इसी वजह से हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले कि गृह मंत्री मंदिर पहुंचते हैं सिद्धेश्वरी और माता के दर्शन करते हैं, उसके साथ जो है उनके आज के दिन का जो कार्यक्रम है वो आगाज उसका हो रहा है। इसी के तहत देखा जाए अब उनको पता है कि अगर पश्चिम बंगाल में हमने कोशिश की है, क्योंकि कई ऐसे भी तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हैं जो कि बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं, तो लग रहा है कि जो रणनीति तैयार की बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसके लिए आगे बढ़ती हुई एक पॉजिटिव वे में दिखाई दे रही हो। देखिए बिल्कुल बीजेपी की जो नई स्ट्रेटजी है उसके तहत तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि बीजेपी अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार, खासतौर से जो नेता टीएमसी के रहे हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करके अपना जनाधार वहां पे मजबूत करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि टीएमसी के कई नेताओं को भाजपा में शामिल करा लिया गया। इसके साथ साथ तमाम उन वोट बैंक को फोकस किया जा रहा है जहां पर ये भाजपा को लगता है कि इन वोट बैंक जो है ये भाजपा खाते में आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सीट वाइज वहां पर पूरा एक ब्यौरा जो है वो तैयार किया गया है और उसी के हिसाब से पूरी जो ये कह सकता है कि जो बीजेपी की जो रणनीति है वो काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो बड़े नेता होंगे वो लगातार वहां पर सक्रिय रहेंगे, मतलब आज या दो दिन या तीन दिन के लिए नहीं रहेगा, ये जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव उन्हें उसको देखते हुए पूरी सक्रियता जो है वो दिखाई पड़ेगी और एक एक करके बीजेपी जो अपने पत्ते हैं वो खोलेगी कि क्या कुछ पत्तों में जो है निकलता है। दूसरी चीज बीजेपी ये जानती है कि टीएमसी से लड़ाई लड़नी है तो उनके कुछ नेताओं को अपने साथ रखना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि अब तोड़फोड़ की जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे जो टीएमसी के नेता हैं वो भाजपा का दामन भी थाम रहे हैं और अब जिस तरह से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हों, तमाम अलग अलग राज्यों के जो नेता हों भाजपा के या उत्तर प्रदेश के नेता हों, ये तमाम लोग अब वहाँ पर फोकस करेंगे, बाकायदा कैंप करेंगे और कैंप करके वहाँ के लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे, खासतौर से वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेंगे और जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी लगातार कह रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश में भी बीजेपी का पूरा खेमा लग चुका है। ठीक है, अगर हम देखें पश्चिम बंगाल के किले को फतेह करने के लिए जो स्ट्रेटजी अब बीजेपी ने बनाई है उसके तहत डिप्टी सीएम तो पहुंचेंगे, तो डिप्टी सीएम यहां पर क्या बूथ मैनेजमेंट लेवल पर वहां पर ज्ञान देंगे कार्यकर्ताओं को कि ऐसे काम करना है, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 30 विधानसभा क्षेत्र से तय किए गए हैं कि जहां पर उनके कार्यक्रम होने हैं। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है ऐसे में बूथ मैनेजमेंट सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश का रहा है और ये केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि उत्तर प्रदेश में जब बूथ की ये बात आती है तो उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पर बड़ा फोकस किया गया था, वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो या मतदाता सूची का पूरा मामला हो, ये सब तमाम ऐसी चीजें थी जिनको लेकर बहुत बूथ लेवल तक बीजेपी ने अपनी तैयारी की थी। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश में एक नया जो कह सकते हैं कि एक बड़ा कीर्तिमान भी जो है स्थापित किया गया था और यही वजह थी कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि बूथ लेवल पर कैसे भाजपा को मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ जो खामियां होंगी उसको लेकर कुछ बड़ा एक जो डिसीजन है वो भी किशन मौर्य लेंगे कि क्या कुछ खामियां हैं उनको दूर की जाए। इसके साथ साथ जो वोटर्स हैं उन पर फोकस करना जरूरी होगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो स्थानीय नेता होंगे उनको किस बेल्ट में लगाया जाएगा, इसके साथ साथ जो बाहरी राज्यों से जो नेता जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उनको कहां पर लगाया जाएगा जो कैंप करने आ रहे हैं, इसके साथ साथ रैलियां कहां कहां पर होंगी जहां से बहुत ज्यादा फोकस किया जा सके जो बड़े नेताओं की रैलियां हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए कितना एरिया कवर हो सकेगा रैली से, तो ये पूरा एक प्रोग्राम जो है ये तय किया जाएगा और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य हो या सुनील बंसल हो, स्वतंत्र देव सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो, तमाम लोग जो है उत्तर प्रदेश से निकलकर पश्चिम बंगाल में भाजपा का झंडा परचम जो झंडा है उसको बुलंद करने की कोशिश में जुटेंगे और यही वजह है कि अब आज से केशव प्रसाद मौर्य दो दिन तक पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे। एक चीज और अगर देखा जाए इसमें कि
हमने हैदराबाद में भी देखा था विशाल कि क्या वहां पे रिजल्ट रहा था। वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचारक के तौर पे पहुंचे थे, हालांकि केंद्रीय मंत्री भी थे, लेकिन अब जो चेहरा हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और विशेषकर बात करें यूपी गवर्नमेंट का, उसको ही अब जो है ताकत बन रही है बीजेपी कि देखिए हमारा यूपी में ये मॉडल है, इसकी सराहना हर जगह हो रही है, और हम उन्हीं प्रचारक को यहां पर लेकर आए जो बताएंगे कि हमने काम कैसे किया है। आपके प्रदेश में आएंगे तो वहां पर भी हम ऐसे ही काम करेंगे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से हैदराबाद के चुनाव हुए उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान सामने आए, रिजल्ट सामने आया, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में भी शायद भाजपा को लगता है कि यूपी के रोल मॉडल को पेश किया जाए, और यही वजह है कि डिप्टी सीएम को भेजा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर रैली करेंगे। और ये कि बिल्कुल तय है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने बयान देते हैं और उनके बयान सुर्खियां बनते हैं, तो मतलब साफ है कि बीजेपी इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और इसी स्ट्रेटजी पर आगे काम करेगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा।